आज देखिए इस वीडियो में एक ऐसा फेस पैक जिसे लगाने से आपकी स्किन बहुत क्लियर हो जाएगी। दाग धब्बे, पुराने स्कार्स होते हैं फेस पर, एक्ने के निशानात होते हैं, वो सब साफ हो जाएंगे और स्किन बहुत इवन टोन हो जाएगी। कीप वॉचिंग। बिलीव इन योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गज़ल एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार रहे होंगे। है तो बड़ा मुश्किल घर में इस तरह से बैठना, लेकिन आप यकीन करें इसका फ़ायदा ये है कि बहुत सारा टाइम मिला है। क्योंकि हमें अक्सर ये शिकायत होती थी ना कि हमारे पास टाइम नहीं मिलता, खुद के लिए टाइम नहीं मिलता, हम कहाँ से अपनी हॉबीज़ पर टाइम दें, खुद अपने लिए टाइम निकालना मुश्किल है। तो अब जो है वो बहुत सारा टाइम है, ठीक है जी। बेशक अपनी फैमिलीज़ के लिए टाइम दीजिए, अपने बच्चों के लिए टाइम दीजिए, लेकिन साथ साथ अपने ऊपर भी थोड़ा सा टाइम सर्व करना है और वो सारे शौक पूरे करने हैं जो अब तक रह गए हैं, अगर हो सके तो। ओके जी, क्योंकि ये जब चला जाएगा ना वक्त तो फिर याद बड़ा आएगा, अल्लाह करे जल्दी चला जाए वैसे, है ना। खैर, तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसा फेस पैक जो हमारी स्किन पर पुराने दाग धब्बे, निशाना, पिंपल्स, एक्ने के जो स्कार्स रह जाते हैं और एक डल डल स्किन नहीं हो जाती, मतलब कि पूरा जो स्किन का जो टोन होता है ना वो एक जैसा नहीं होता, कहीं लाइटर कहीं डार्कर, जिसको फिर कंसीलर लगा लगा कर जो है वो सही करना पड़ता है। तो अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये फेस पैक जो है वो बहुत स्किन को क्लियर कर देगा। एक डलनेस जो होती है ना, डल डल, वो बहुत निखर आएगी बेसिकली स्किन का जो टोन है, क्योंकि जो जब फेड हो जाते हैं ना दाग धब्बे निशाना, तो एक जैसी स्किन लगती है तो बड़ी अच्छी लगती है वो। क्योंकि मैं आपके साथ वही चीज़ें शेयर कर सकती हूँ जो मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड हों, जिसका मुझे अच्छा रिजल्ट मिला हो, और ना सिर्फ मुझे मिलता है अच्छा रिजल्ट बल्कि मैं फिर वो अपनी बहनों को, अपनी फ्रेंड्स को, सबको कहती हूँ कि इसको यूज़ करें और मुझे फीडबैक दें। तो बहुत अच्छा इसका फीडबैक मिला है मुझे और यकीनन आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इसके, आप यूज़ कीजिएगा ज़रूर। तो क्योंकि इतनी अच्छी नेचुरल चीज़ें अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई हैं और यकीन करें जो हमारी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें वो सारी सलाहियतें मौजूद होती हैं जिनका हम फ़ायदा नहीं उठाते हैं, और हम ख़तरनाक किस्म की ब्लीच क्रीम्स और पता नहीं क्या क्या फेस पर लगा रहे होते हैं जिनका यकीन करें इतना बुरा असर होता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि इनके अंदर बहुत ख़तरनाक किस्म की ब्लीचिंग जो केमिकल्स होते हैं ना वो डाले जाते हैं, बहुत ही ख़तरनाक। बहुत सारी कंट्रीज़ में तो बैन है ये चीज़ें, हमारे पास अब तक दिख रही हैं। तो बहरहाल इसके जो ब्लीच क्रीम की बाद जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना स्किन के, फिर वो उनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल डल डल सा होने लगता है, पैचेस ऐसे पड़ जाते हैं कि फिर वो साफ़ ही नहीं होते। तो प्लीज़ ब्लीच क्रीम से ज़रा बचा करें, अपना ख्याल रखें, और जो है वो अच्छी अच्छी चीज़ें जब मौजूद हैं तो क्यों ना उनका फ़ायदा उठाएं। तो बहरहाल आप देख लीजिए कि वो फेस पैक जो है वो कैसे बनेगा, उसके बाद में बताती हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करना है। अब इस फेस पैक को बनाने के लिए मैं जिन जिन इंग्रेडिएंट्स को यूज़ कर रही हूँ वो सारी ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, अक्सर हमारे किचन में मौजूद होते हैं, और ये सभी क्योंकि नेचुरल हैं तो सेफ़ हैं, इनमें इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई इसमें केमिकल में यूज़ नहीं कर रही हूँ। अच्छा, इसके लिए हमें बनाना यानी केला चाहिए होगा, लेकिन केले का फ्रूट यूज़ नहीं करेंगे हम, केले का छिलका यूज़ करेंगे, यानी केले की जो पील होती है, बनाना पील। अच्छा, क्योंकि बनाना पील में रेशे होते हैं तो इस तरह आप अगर उसको कट लगा लेंगे नाइफ़ की मदद से, छुरी की मदद से, तो वो बहुत ही एक स्मूथ सा पेस्ट आपको मिलेगा। तो इस तरह से आप कट्स लगा लीजिए और बनाना की जो पील है उसको आप आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से निकालते जाइए। अच्छा, ये फेस पैक जो है सारे स्किन टाइप के लोग यूज़ कर सकते हैं, ऑयली स्किन हो आपकी, ड्राई स्किन हो, या कॉम्बिनेशन स्किन हो, इवन सेंसिटिव स्किन हो, आप यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन क्लियर हो जाएगी, लेकिन सिर्फ वो लोग यूज़ ना करें जिनके फेस पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं, बहुत ज़्यादा एक्ने है और वो एक्टिव है, यानी कि बहुत ज़्यादा फैली हुई एक्ने और पिंपल्स हैं, वो यूज़ ना करें। अच्छा, ये बनाना की पील मैंने निकाली है, अब इसके अलावा लेमन जूस मैं यूज़ कर रही हूँ। बनाना की पील मैंने 1 से 1.5 टीस्पून यूज़ करूँगी मैं, और लेमन जूस जो है वो 1 टीस्पून यूज़ करूँगी। और जो जो इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ इस फेस पैक के लिए, वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें बहुत सारी सलाहियत है हमारे स्किन के निशानात और दाग धब्बों को फेड करने की। अच्छा, ये है पोटैटो यानी आलू। आलू के जूस के हमें 2 टीस्पून चाहिए होंगे, और आलू का जूस निकालने के लिए हमें एक टुकड़ा आप पोटैटो का ले लीजिए, उसको आप चाहें तो पीस भी सकते हैं, और आप इस तरह से कद्दूकश कर लीजिए। मैंने इसको कद्दूकश कर लिया है और बहुत ही ईजीली जो है इसके 2 टीस्पून हमें जूस मिल जाएगा इतने टुकड़े से। ये मैं सिर्फ फेस और नेक के लिए बना रही हूँ, अगर आप अपने हाथों पैरों के लिए भी बनाएं, आर्म्स के लिए भी बनाएं, तो आप इसकी क्वांटिटी डबल कर लीजिएगा, यानी इन सारी चीज़ों को ज़्यादा मिकदार में यूज़ कीजिएगा तो आपको ये फेस पैक ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, इस तरह से पोटैटो जूस जो है आप
उसको छान लीजिए फिर, और आराम से आपको बहुत अच्छा और फ्रेश पोटैटो जूस मिल जाएगा। अच्छा, अब एक और सवाल ये होता है कि क्या इसको आप बना के रख सकते हैं? आप इसको, मेरा मशवरा ये होता है कि हर चीज़ मैं फ्रेश यूज़ करती हूँ, तो हफ्ते में 2 दफ़ा ही इसको यूज़ करना है, तो अगर आप फ्रेश यूज़ करें तो आपको इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये हो सकता है कि आप सुबह में अगर बना रहे हैं तो आप शाम में यूज़ करना चाहें, तो कुछ घंटों के लिए आप फ्रिज में से रख सकते हैं। अच्छा, पोटैटो जूस के 2 टीस्पून हमें चाहिए होंगे, और इसके अलावा इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ योगर्ट यानी दही, उसका 1 टीस्पून। ये सारी वो चीज़ें हैं जिनमें पूरी पूरी सलाहियत है हमारे स्किन के दाग धब्बों को फेड करने की। अब इसमें मैंने बनाना पील डाल दी है। अच्छा, ये है चावल, चावलों को मैंने घर में पीस लिया है। इसको इस तरह से पीसना है कि बिल्कुल बारीक पीस जाएं और इसमें बहुत ज़्यादा मोटे दाने ना हो, लेकिन बिल्कुल फाइन ये एक स्क्रब के तौर पर काम देगा। और अब इसको आप मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से, इसमें दाने बहुत ज़्यादा टुकड़े टुकड़े ना हो, एक बिल्कुल पेस्ट की तरह से ये बन जाए, और फाइन पेस्ट हमें चाहिए होगा। इसे हफ्ते में 2 दफ़ा लगाना है, तब तक लगाना है जब तक कि आपको बिल्कुल क्लियर स्किन नहीं हो जाती आपकी, आपके निशानात ख़त्म नहीं हो जाते, दाग धब्बे आपके बिल्कुल फेड नहीं हो जाते, तब तक आप इसको लगा सकते हैं। बिल्कुल सेफ़ है, हर कोई लगा सकता है इसको। और ये देखें, अब बिल्कुल ये पेस्ट बन गई है। अच्छा जी, अब आपने इसको मिक्स कर लिया, फेस को अच्छी तरह से धो लीजिए और बालों को सिक्योर कर लीजिए, क्योंकि ये चिपक जाएगा बालों में, फिर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। और उसके बाद आप फिंगर्स की मदद से या ब्रश हो आपके पास, उससे पूरे फेस पर इसको पेस्ट को लगा लीजिए, फेस पर भी, नेक पर भी, और मैं तो हाथों पर, पैरों पर सब लगाती हूँ, क्योंकि मेरे हाथों पर जो है ना वो अक्सर खाना वाना पकाती हूँ ना, कभी ग्लव्स नहीं पहनती हूँ कुछ, तो अक्सर निशाना काफ़ी लग जाते हैं मुझे, जलने के जो होते हैं ना फिर वो, लेकिन फिट हो जाते हैं लगाने से इन चीज़ों के। तो बहरहाल इसको आपने लगा लिया, उसके बाद आपने फिंगर्स की मदद से हल्के हल्के प्रेशर के साथ उसको मसाज करना है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि इसमें जो 4 इंग्रेडिएंट्स हैं, उन सब इंग्रेडिएंट्स में एक ऐसी सलाहियत है जो हमारे स्किन के निशाना जो होते हैं ना, धब्बे, दाग, स्कार्स और पैचेस, उनको क्लियर करता है। और जो राइस फ्लावर है वो एक बेहतरीन किस्म का एक्सफोलिएटर का काम देता है। तो साथ ही साथ जब आप मसाज करेंगे तो वो डेड स्किन भी रिमूव होती रहेगी और वो बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अपना असर दिखाते रहेंगे। इस तरह से आप मसाज कर लीजिए 5 मिनट और फिर 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए इसको, लेकिन ड्राई नहीं होने देना स्किन को। ड्राई होने से पहले आपको फिर अपने फिंगर्स की मदद से इसको सर्कुलर मोशन से हल्का हल्का मसाज करके रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद इसको फेस धोना है, लेकिन साबुन से नहीं धोना है, सिर्फ पानी से धोना है, ठीक है? नो साबुन, नो फेस वॉश, कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी से धोना है आपको अपना फेस। और उसके बाद आप ड्राई कर लीजिए फेस को, और फिर कोकोनट ऑयल हो, आमंड ऑयल हो या ऑलिव ऑयल हो, उसके 4-5 ड्रॉप्स आप ले लीजिए और उसको फेस पर लगा लीजिए अच्छी तरह से, नेक पर, जहाँ जहाँ आपने ये फेस पैक लगाया है, ताकि आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहे। आप खुद ही नोटिस करेंगे कि पहली दफ़ा के यूज़ के बाद आपकी स्किन कितनी साफ साफ, क्लियर क्लियर और फ्रेश फ्रेश लगने लगेगी। तो इसके करते रहने से आपके सारे निशाना फेड हो जाएंगे और दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगे, और जो एक डल डल स्किन हो जाती है ना, निखर जाएगी स्किन बेसिकली। तो हफ्ते में 2 दफ़ा आप इसको कर सकते हैं, आप कीजिएगा इसको, और यकीन करें आपको बहुत अच्छा लगेगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फैमिली को हम टाइम देते हैं, अपने बच्चों को टाइम देते हैं, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ अपने लिए ज़रूर टाइम निकाला करें, ठीक है जी? अपना भी ख्याल रखना है। अब मुझे जल्दी जल्दी से कमेंट्स के ज़रिए बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, जाते जाते, कोई चीज़ मिरेकल नहीं होती, ये सारी चीज़ें करते रहने से इसकी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और साथ साथ अगर आप बहुत अच्छा रिजल्ट चाह रही हैं अपने स्किन में, बहुत बेहतरीन चेंज, तो यकीनन आपको पानी का इंटेक बढ़ाना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको अपनी नींद पूरी करनी पड़ेगी, और साथ साथ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, चाहे सस्ती हों फ्रूट वेजिटेबल्स, ज़रूरी नहीं महंगे महंगे खाएँ, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें अपने डाइट के उसमें। और अगर लेज़ी हैं आप खाने के मामले में, तो मैंने जो ड्रिंक शेयर की है वो आप देखिए किस तरह से आप स्मूदी बनाकर पी सकते हैं, ताकि हमारी बॉडी के अंदर भी चीज़ें जाएँ, नेचुरल न्यूट्रिएंट्स, हेल्दी न्यूट्रिएंट्स, ताकि वो हमारी स्किन पर रिफ्लेक्ट करें। तो अपना ख्याल रखना है, ठीक है जी? और साथ साथ मुझे गज़ल सिद्दीक ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करना है अगर नहीं किया अब तक, क्योंकि मैं वहाँ लाइव आऊँगी, तो कहीं फिर आपको मेरा सेशन मिस कर जाएँ। तो बहुत जल्द मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।
अगर ये वीडियो अच्छी लगी और अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। इस राउंड सर्कल में जो मेरा फेस नज़र आ रहा है आपको, आप इसे भी क्लिक कर सकते हैं, और बॉक्स में जो वीडियो नज़र आ रही है इसे भी ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी।